नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी आज की खास पेशकश है किसमें कितना है दम। पांच राज्य में हुए विधानसभा चुनाव की थकान अभी उतरी नहीं कि मध्य प्रदेश में फिर से उपचुनाव की दस्तक है। 9 अप्रैल को अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है और इन चुनाव के लिए दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति तैयार है। अटेर सीट के लिए कांग्रेस के क्षत्रप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे की भरपूर पैरवी की। वहीं बांधवगढ़ सीट से अपने बेटे को जिताने के लिए बीजेपी सांसद और मंत्री ज्ञान सिंह ने भी पूरा जोर लगाया। एक और चुनावी इवेंट, एमपी सरकार की एक और परीक्षा। इस बार बांधवगढ़ और अटेर में रणभेरी गूंज रही है। यहां अप्रैल की 9 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, जबकि 13 को इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अटेर सीट दिवंगत नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे का विधानसभा क्षेत्र था, जो उनकी मृत्यु के बाद खाली हुआ। वहीं बांधवगढ़ बीजेपी की मौजूदा शहडोल सांसद ज्ञान सिंह की सीट थी, जो उनके लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद खाली हो गई। यानी एक सीट कांग्रेस की और एक बीजेपी की। अब बीजेपी की कोशिश ये है कि वो बांधवगढ़ सीट पर दोबारा कब्जा करे, साथ ही अटेर को अपनी झोली में गिरा ले। जबकि कांग्रेस अटेर पर काबिज रहने के साथ ही बांधवगढ़ में भी विजयी पताका फहराना चाहती है। मतलब ये कि दोनों तरफ से फतह की भरपूर तैयारी चल रही है। इन सीटों के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अटेर से पूर्व विधायक अरविंद भदौरिया को टिकट दिया। अरविंद भदौरिया ने 2008 में सत्यदेव कटारे को चुनाव हराया था, जबकि 2013 में वो कटारे से चुनाव हार गए। इस बार अटेर में भदौरिया का मुकाबला सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे से होगा। दूसरी ओर बांधवगढ़ से बीजेपी ने मंत्री और सांसद ज्ञान सिंह के बेटे शिव नारायण सिंह को टिकट दिया। कहा जा रहा है कि ज्ञान सिंह अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए अड़ गए थे। आखिरकार पार्टी को उनकी बात माननी पड़ी। बांधवगढ़ में कांग्रेस ने सावित्री सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सावित्री सिंह वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर दोनों उपचुनाव में दिखेगी। जिस प्रकार की जानकारी, जो फीडबैक और जो वातावरण मध्य प्रदेश में, उसको लेकर हम बहुत आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी अटेर से हेमंत कटारे जी और बांधवगढ़ से सावित्री सिंह जी, ये दोनों भारी मतों से विजय हासिल करेंगे और मध्य प्रदेश में परिवर्तन की नई इबारत लिखेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की छवि चुनाव जिताऊ नेता की हो गई है, लेकिन इस बार बांधवगढ़ और अटेर में हालात कुछ अलग हैं। बांधवगढ़ सीट की बात करें तो यहां ज्ञान सिंह के बेटे को जरूर बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन वो अपने पिता जैसे जनाधार वाले नहीं हैं। ऐसे में पार्टी की चिंता यह है कि कहीं उसे यहाँ झाबुआ संसदीय सीट की तरह हार का सामना न करना पड़े। पार्टी की चिंता उस अंदरूनी रिपोर्ट ने भी बढ़ा दी है, जिसमें ये कहा गया कि अगर बांधवगढ़ से शिवनारायण सिंह चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा यहाँ से हार सकती है। अगर अटेर सीट की बात करें तो ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। दिवंगत सत्यदेव कटारे के बेटे को यहाँ से कांग्रेस ने इस उम्मीद में टिकट दिया कि सहानुभूति वोट उनके पक्ष में गिरेंगे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक अरविंद सिंह भदौरिया भी अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बार उनके पास मौका भी है, क्योंकि मुकाबला नए और कम अनुभवी प्रत्याशी से है। चुनाव समिति ने अटेर विधानसभा के लिए श्री अरविंद भदौरिया का नाम और बांधवगढ़ विधानसभा के लिए शिव नारायण सिंह, पिता ज्ञान सिंह का नाम, ये दो नाम एक एक ही एक एक विधानसभा के लिए चुनाव समिति ने केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजने का निर्णय किया। मध्य प्रदेश बीजेपी अटेर और बांधवगढ़ में जीत दर्ज करने के लिए इसलिए भी बेचैन है, क्योंकि इससे सरकार की साख जुड़ी है। खुद मुख्यमंत्री इन सीटों पर पूरी तरह ध्यान लगाए हैं। इससे कांग्रेस की राह मुश्किल हो गई है। उपचुनाव में वैसे भी कांटे की लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत एक ही जगह पर झोंक देते हैं। दावे दोनों ओर से हैं, लेकिन फिलहाल जनता के मूड और दोनों क्षेत्रों के माहौल को समझ पाना आसान नहीं है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
तो हालांकि है तो उपचुनाव, लेकिन दोनों दलों ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी अपनी सीटें जो उनके पास पहले थी उसको खोना नहीं चाहते, बल्कि जो दूसरी सीट है उस पर भी काबिज होकर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हर एक जीत पार्टी के लिए उस इलाके के साथ साथ पूरे प्रदेश में मायने रखती है, न केवल संख्या का बल बढ़ाती है बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाकी जगह मेहनत करने के लिए संबल प्रदान करती है। और इसीलिए दोनों दलों के अपने अपने दावे, लेकिन दोनों दलों में एक कॉमन बात जो जनता को शायद चुभ सकती वो ये है कि परिवारवाद के एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले दल अब की बार भी जो कैंडिडेट का चयन करते हैं वो कहीं ना कहीं परिवारों में ही सीट को देते नजर आए हैं। क्या वहां पर और कोई सक्रिय कार्यकर्ता या कोई सक्रिय नेता उनको नजर नहीं आता, ये निश्चित तौर पर जनता जानना चाहती है लोकल मुद्दों के साथ साथ। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए तीन बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। बीडी शर्मा जी हैं, प्रदेश महामंत्री भाजपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभा पटेल जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, और डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप तीनों का इस चर्चा में हम बहुत स्वागत करते हैं। शर्मा जी, पहला सवाल तो यही कि कैंडिडेट चयन को लेकर जब कभी भी बात चली है तो कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप कई बार भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं कि जो प्रत्याशी चयन करती है वो परिवार को देखकर, पिता को देखकर ही करती आई है, लेकिन इस मोह से बीजेपी भी अब की बार बची नहीं है। शिव नारायण सिंह को एक तरह से प्रत्याशी बनाना पिता की जिद पूरी करने की तरह देखा जा रहा है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है शर्मा जी? पुनीत जी, आपने जो प्रश्न किया है जी, शिवनारायण सिंह जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हाँ अब आ रही है, आ रही जी, जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने शिवनारायण सिंह जी का नाम जो तय किया है वो ज्ञान सिंह जी के बेटे जरूर हैं, लेकिन पुनीत जी मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे जो नेता हैं, अगर उनका बेटा कोई कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है और क्षेत्र में सक्रिय है और उसकी छवि अच्छी है और वो चुनाव जीत सकता है, तो मुझे लगता है कि इस आधार पर उनका चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी के बेटा होने के कारण से मुझे लगता है कि यह निर्णय नहीं करती है, उसके कार्यकर्ता के तौर पर सक्रियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने शिवनारायण सिंह जी का नाम तय किया और वो चुनाव जीत करके आएंगे। चलिए, चुनाव जीतना एक अलग विषय है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर कार्यकर्ता के तौर पर वो सक्रिय हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके पिता की जिद या उनका ये कहना कि आपको टिकट देना है, इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं। चलिए, एक सबसे प्रमुख बात यह कि क्या सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर वो जनप्रति बनने के काबिल है नहीं है, ये तो जनता तय करेगी। पार्टी ने अगर उनको टिकट दिया है तो पार्टी की मंशा उस इलाके के लिए क्या है, क्योंकि उनके पिता ने वो सीट छोड़ी है दूसरे पद के लिए, तो एक सवाल ये भी वहां जनता पूछ सकती। देखिए पुनीत जी, मेरा ऐसा मानना है जी, कहिए साहब शर्मा जी। पुनीत जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो आपने प्रश्न किया है कि जनता इस प्रश्न को पूछ सकती है, मैं मानता हूं कि जो लगातार सक्रिय होकर के क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो उनका पुत्र ही क्यों नहीं है, लेकिन वो जनता के लिए हमेशा खड़ा है, जनता के लिए काम करने वाला कोई कार्यकर्ता है, तो जनता, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो कार्यकर्ता है उसमें भी स्वीकारोक्ति उनकी बनती है। अन्य कार्यकर्ता भी इस योग्यता के हो सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस बात को नहीं कर रहा हूं, और कार्यकर्ता भी योग्य नहीं है, लेकिन चुनाव में कौन जीत करके आ सकता है कोई भी राजनीतिक दल, इस बात को भी देखने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी को भी शिवनारायण सिंह जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो चुनाव जीत करके आ सकते हैं और लगातार सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम तय करके, मुझे लगता है, चुनाव लड़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की। विभा जी, आप सहमत हैं इस बात से जिस तरह से शर्मा जी कह रहे हैं? हालांकि जनता के मन में ये दो सवाल जरूर आएंगे कि क्या केवल एक परिवार के पास कोई इलाका कोई सीट रहनी चाहिए, दूसरी बात है जिसे आपने छोड़ा है, जिस सीट को, वहां से दूसरे सक्रिय कार्यकर्ता उनकी मेहनत उनका काम छोड़ करके, क्या जनता के मन में सवाल नहीं आएंगे? हालांकि कांग्रेस भी इस मोह से कभी अछूती नहीं रही। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस कभी बहुत ज्यादा बड़बोलेपन में विश्वास नहीं रखती है, और आप अगर बांधवगढ़ सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवनारायण सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है, आप उसका अगर इतिहास देखें तो जिस तरह से ज्ञान सिंह जी ने दबाव बनाया, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया सांसद बनने के बाद भी, वो ये दर्शाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि यदि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो आने वाले चुनाव में
जब उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से जनता उनके खिलाफ मत करेगी, क्योंकि वहां से जो मंत्री हैं वो हट चुके होंगे। ये जो बातें शर्मा जी ने की वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन ज्ञान सिंह जी ने जिस तरह से दबाव बनाकर अपने पुत्र को वहां प्रत्याशी बनाया है वो ये दर्शाता है कि केवल दबाव के चलते उन्हें बनाया गया। यदि आप हमारे कांग्रेस की बात करेंगे कि परिवारवाद की या अन्य बात, क्योंकि हमारे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे माननीय सद्देव कटारे जी, वो बहुत लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवासी हुए और एक ऐसे असमय उनका निधन हुआ जिसमें कहीं ना कहीं हेमंत जी क्षेत्र में वहां पर सक्रिय भी रहे उनकी बीमारी के दौरान, और उन्होंने लगातार वहां पर जनता के संपर्क में काम भी किया, इसी कारण उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरा ये मानना है कि या तो भारतीय जनता पार्टी को अब परिवारवाद की जो बातें वो दूसरों पर थोपते रहते हैं उससे बात करना बंद कर देना चाहिए, ताकि उनकी कथनी और करनी का अंतर दिखाई ना दे, एक ही बात रहे वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, शर्मा जी को कुछ उत्तर देना चाहेंगे? पूरे प्रदेश में जिस तरह से लहर चल रही है, शर्मा जी पुनीत जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये होगा कि कांग्रेस को अपने दल के बारे में विचार करते हुए कि उन्होंने जिनको टिकट दिया और कांग्रेस अपना चुनाव कैसे जीते, इस पर उनको मंथन और विचार ज्यादा करना चाहिए। आदरणीय विभाजी से बात करते समय मुझे तो ये लगता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है या क्या दबाव बनाया जा रहा है इसकी चिंता उनको ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कभी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की बातें तो सार्वजनिक हुई थी ना, बाहर आई थी, ये तो सबको दिखा, लगातार सक्रिय होकर के हमेशा कोई भी चुनाव हम एक कार्यक्रम के तौर पर लेते हैं जी। नहीं, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि लोगों में इधर उधर चर्चा करने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा दल है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, हम कार्यकर्ता के बारे में विचार करते हैं और इसलिए हम लगातार चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, तभी तो इस बड़े दल की भी ये बड़ी बड़ी बातें बाहर आ जाती हैं, विचार करते हैं जिसके कारण से ऐसा है। जी जी, लगातार काम करते हैं, निश्चित तौर पर इस बड़े दल की बड़ी बातें बाहर आई, तभी लोगों ने इस पर सवाल पूछा, तभी इस पर सवाल किया। विभा जी कुछ कहे, ये सारी बातें मैंने कहा कि ये सारी बातें लोग, हाँ जी विभा जी, देखिए पुनीत जी जो बातें कर रहे हैं कि भाई केवल हम लोगों का की बात है या कांग्रेस ये बातें कर रही है, ये बात कांग्रेस ने नहीं की, मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, और सबने देखा कि ज्ञान सिंह जी ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो ये क्यों इतना मोह, क्या वहां पर और अन्य योग्य विधायक नहीं है जिन्हें उनकी जगह पर मंत्री बनाया जा सकता। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे बात कितनी भी करे, लेकिन लोकतंत्र जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है, और दूसरी ओर ये जो बात कर रहे हैं कार्यकर्ता को महत्व देने की, मैं इनसे यही जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर अन्य किसी कार्यकर्ता को यदि उम्मीदवार बनाया जाता तो उसमें क्या दिक्कत थी। दरअसल बात ये है कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कथनी और करनी में अंतर जनता को दिखाई दे रहा है, उसी का प्रतिफल कहीं चुनाव में स्पष्ट ना हो जाए, और जिस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सारे नेताओं को एक एक जगह पर जाना पड़ा और उसके तब जाकर ये सीट जीत हासिल कर पाए थे, तो शासन का दुरुपयोग किया इन्होंने, अधिकारियों को जिस तरह से, चलिए विभा जी मैं आऊंगा उन सारे मुद्दों पर आऊंगा, और मुद्दे की बात है कि जनता क्या सोचती है, इस मुद्दे पर भी आएंगे, आधार खो रही है जी, इस मुद्दे पर भी आएंगे कि वहाँ की जनता क्या सोचती है, उनके मूल मुद्दे वास्तव में क्या है, और उन मुद्दों को लेकर के ये कैंडिडेट कितने सजग या खड़े हो सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। प्रतीक जी हमारे साथ में, प्रतीक जी परिवारवाद से कोई पार्टी अछूती नहीं है, अभी हालांकि दो जगह उपचुनाव है, लेकिन एक बात कॉमन दिखाई पड़ी कि सबने पहले से तय फॉर्मूले के तहत ही अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, पार्टियां भले कुछ भी कहें, प्रवक्ता यहां पर आकर जिस तरह की बात करें वो भी आप सुन रहे हैं, क्या जनता इस बात को नहीं समझती कि परिवार या परिवार में टिकट रखा जा रहा है? देखिए भारतीय राजनीति में परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं रहा, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, कांग्रेस ने भी परिवारवाद के तहत हेमंत को टिकट दिया है, ज्ञान सिंह जी के पुत्र को भी परिवारवाद के तहत टिकट दिया गया है, विभा जी खुद परिवारवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये सब मुद्दे नहीं रहे, इस पे बात नहीं करनी चाहिए, परिवारवाद कोई मायने नहीं रखता, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब परिवार के बच्चों को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह अपनी सीटें सौंपती रही है। राजनाथ सिंह के लड़के भी चुनाव लड़ते हैं और राजीव गांधी के लड़के भी चुनाव लड़ते हैं और नेहरू जी की लड़की भी चुनाव लड़ती है,
ये सब बातों का कोई मायने इस भारतीय लोकतंत्र में रह नहीं गया। भारतीय लोकतंत्र बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। मैं इस उपचुनाव के संदर्भ में जो बात करना चाहता हूँ वो गंभीर समीक्षा में ये करना चाहता हूँ कि शहडोल में उपचुनाव हुआ, वहां कमलनाथ जी का टेस्ट हो चुका है और कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी आएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक क्रांति ला देंगे और कांग्रेस को कर देंगे, तो वहां उस टेस्ट में कमलनाथ जी फेल हो गए। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का टेस्ट है, क्योंकि जो चुनाव अटेर में जहां हो रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है और ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसी तरह से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए जैसे पंजाब में अमरिंदर सिंह को किया गया। तो अगर कांग्रेस अटेर को सीट को कायम रखती है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अटेर में हेमंत कटारे का नाम आगे बढ़ाया, ये जानते हुए कि हेमंत कटारे कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नहीं रहे। कटारे सदैव से सुरेश पचौरी के समर्थक रहे हैं, उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कटारे के समर्थन में इसलिए आए हैं क्योंकि वो गुटबाजी के तोहमत अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते थे। और इसीलिए ये जो टेस्ट है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का टेस्ट है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाना चाहिए। अगर वो जीतते हैं तो निश्चित रूप से उनका कद बढ़ेगा और उनका ये दावा बढ़ेगा कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करो, और अगर वो हारते हैं अटेर में कांग्रेस हारती है तो निश्चित रूप से सिंधिया जी का दावा कमजोर होगा। दूसरी तरफ जो अरुण यादव का नेतृत्व है वो अब बहुत सवालिया निशानों में आ गया, वो कोई चुनाव जिता नहीं पाए। झाबुआ का चुनाव छोड़ दिया जाए और झाबुआ का चुनाव कांतिलाल भूरिया की जीत है, कोई अरुण यादव की जीत नहीं है। अरुण यादव नेपानगर में चुनाव हार चुके हैं और 2014 के बाद से वो जितने चुनाव लड़े हैं उसमें से मैक्सिमम वो चुनाव हार चुके हैं। और मैं एक बात और पुनीत जी कहना चाहता हूं, बड़े बड़े नेताओं का भी लिटमस टेस्ट होगा या प्रादेशिक बड़े नेताओं का भी लिटमस टेस्ट होगा। इस पर विभाजी कुछ कहना भी चाह रही है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, ब्रेक से लौट कर ही सीधे विभाजी के पास जाएंगे, क्योंकि ये जो तीन बड़े अहम मुद्दे प्रतीक जी कह रहे हैं निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की राजनीति में चर्चा का विषय तो है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। चलिए आज हम बात कर रहे हैं दो उपचुनाव की और इस उपचुनाव में जिस तरह से कैंडिडेट्स को उतारा गया है उनके ऊपर पहले से ही नजर थी और पहले से तय लग रहा था जिन नामों के बारे में डिक्लेरेशन के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं। विभाजी कुछ कहना चाह रही थी, जवाब देना चाह रही थी। जी विभाजी, देखिए दोनों ही चुनाव हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, हमारे लिए दोनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के मद्देनजर जिस तरह से हेमंत कटारे जी ने आदरणीय सदैव कटारे की बीमारी के दौरान वहां पर काम किया, तो निश्चित तौर से कांग्रेस उन्हें एक जिताऊ उम्मीदवार मानते हुए उन्हें प्रत्याशी बना रही है और आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ भी मिलेगा और हेमंत कटारे जी चुनाव जीतकर भी आएंगे। और बात जिस तरह से परिवारवाद की माननीय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये जो आज राजनीति है, राजनीति में हर पार्टी में किसी भी परिवार के व्यक्ति हो, कोई भी परिवार का व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं जब उसके परिवार का व्यक्ति कोई चुनाव में काम करता है तो स्वतः ही नहीं विभाजी वो तो कह रहे हैं कि अब तो ये मुद्दा ही नहीं बचा, वो भी वहां पर काम कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी तो ये कह रहे हैं कि अब तो ये मुद्दा ही नहीं बचा, मुद्दा ये बचा है कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी काम करती है, जैसे सिंधिया जी का सपोर्ट करना, कमलनाथ जी का पहले लिटमस टेस्ट में फेल हो जाना और अरुण यादव जी के ऊपर बार बार ये सवाल लगना, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का विषय जिसके तहत इन चुनाव में भी आप कैंडिडेट्स के चयन को देख सकते हैं, ये वो मुद्दा उठा रहे हैं। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि परिवारवाद तो हर पार्टी में है। देखिए पुनीत जी, बात ये है कि कोई लिटमस टेस्ट किसी भी पार्टी में नहीं होता। जो जिस तरह से शेड्यूल चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है वो सबके सामने स्पष्ट था कि उन्होंने किस तरह से उस चुनाव को जीता। हमारी वहां जो प्रत्याशी थी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ी और जो जीत का अंतर था वो अपने आप में ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन तरीकों का अख्तियार करके वहां पर चुनाव जीता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिताऊ उम्मीदवार जब कांग्रेस को जो लगा वहां पर हमने उसे घोषित किया है और आप देखेंगे कि दोनों ही उम्मीदवार क्योंकि वहां पर सक्रिय राजनीति में है तो वे अपने अपने स्थान पर जीत दर्ज कराएंगे और कांग्रेस दोनों जगहों पर चुनाव जीतेगी। प्रतीक जी आदरणीय विभाजी, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है और आप किसी को भी लड़ाए, कोई पार्टी सबको लड़ाए, आजकल हर पार्टी में बीमारी आ चुकी है, इसको लेकर आप किसी भी पार्टी को गिल्ट फील नहीं होता है तो होना भी नहीं चाहिए।
मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि लिटमस टेस्ट नहीं है, लिटमस टेस्ट कैसे नहीं है? अरुण यादव एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, नगर पालिका हार गए, नगर निगम हार गए, सारे उपचुनाव हार गए, आप कह रहे हैं कि कोई लिटमस टेस्ट ही नहीं। अरुण यादव अपने संसदीय क्षेत्र में नेपा नगर में चुनाव हार गए, 2014 से अरुण यादव अध्यक्ष बने, बताइए कौन सा चुनाव उन्होंने जीता, वो कोई चुनाव जीते। मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है पुनीत जी कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो प्रादेशिक नेतृत्व है वो इतना थका हुआ नेतृत्व है कि राहुल गांधी और अरुण यादव कार्यकर्ताओं में ना तो जोश पैदा कर पाते हैं, ना उत्साह पैदा कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कई बार ये खबरें भी आती हैं कि उनकी बात में हताशा के मीटिंग में लोग शामिल नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हताशा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सब लोग एक साथ आ जाएं तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है, सारे नेता एक साथ दिखाई पड़े। चलिए अब कुल मिलाकर राहुल गांधी राहुल गांधी जी के पास पॉलिटिकल ब्रेन ही नहीं है। चलिए शर्मा जी, अब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शर्मा जी ये है कि अरुण यादव कांग्रेस को एक जाजम पे इकट्ठे ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, अब फाइनली अगर हम टिकटों की बात छोड़ दें तो वहां के मुद्दे आपको क्या लगते हैं? इन दोनों जगहों के ऊपर अधूरे विकास काम है, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को चुना गया था वहां की जनता ने, जिनको जनादेश दिया था, एक अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं जिस सीट पर आप कब्जा करना चाहते हैं वो अब दुनिया में नहीं, उनका भी अधूरा काम पड़ा हुआ है जहां से आप जीत की आस लगाए बैठे हैं, जिसे कब्जा करना चाहते हैं, और दूसरा जिस सीट को छोड़ा ज्ञान सिंह जी ने वहां पर भी अधूरे काम है। क्या प्लानिंग है बीजेपी की वहां के लिए क्या योजना है? पुनीत जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर या मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और आज आपने देखा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, सारे मुद्दों में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विकास के मुद्दे पर जनता आगे आकर के खड़ी हुई, और उत्तर प्रदेश ने तो इतिहास बना दिया कि सारी जातिवाद से लेकर के गुंडेजिम के सारी दीवारों को तोड़ दिया। आज मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो एक व्यापक काम मध्य प्रदेश के अंदर जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, आपका पॉइंट है विकास के मुद्दे पर आप जाने वाले हैं, विभाजन किस मुद्दे पर जाने वाले हैं, इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसके आधार पर चुनाव होगा, विभाजन किस मुद्दे पर जाने वाले हैं। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से बातें भले ही शर्मा जी कुछ भी करें, लेकिन गोवा और मणिपुर में जिस तरह से इन्होंने खरीद फरोख्त की है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कितना विश्वास है। और आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज महिला अत्याचारों की बाढ़ आई हुई है, महिलाएं बच्चियां गायब हो रही हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम पूरे प्रदेश में है, योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का कुप्रशासन है उसी को लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी। ठीक बात है, चलिए देखेंगे कि जनता। बिल्कुल, आप दोनों ने अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, एक तरफ आप विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से टिकट दिए हैं जनता भी अब बेहतर समझती है कि उन्हें कहां किस पाले में जाना है। सबसे अहम बात यह कि आने वाले चुनाव से पहले ये जो उपचुनाव है और जो पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं उसका कितना इम्पैक्ट इस पर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। तीनों आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।